जी सो आप देख रहे हैं मार्केट इज पंपिंग और ऑल्ट कॉइन सीजन है. दिस मंथ इज फॉर ऑल्ट कॉइन्स और बिटकॉइन जो है 61,599 पर है. तो ये बिटकॉइन जो है वो स्लो है. जब बिटकॉइन स्लो होता है तो डेफिनेटली ऑल्ट कॉइन्स जो है वो मूव करते हैं. आप देख रहे हैं बाइनेंस जो है वो 609 पर है, अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचने वाला है. तकरीबन 660 था. आई थिंक दैट्स वेयर आई बॉट इट. So I'm still waiting for it to go 660 at least. और बाकी आप देख रहे हैं कि सोलाना जो है वो 21% लास्ट 7 days में मूव हुआ है. पोकाडॉट भी और इस तरह जो कॉइन्स थे, जो कॉइन्स ऑल्ट कॉइन्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पम्प अप हुए हैं. एंड नाउ इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल टाइम. 1 to 2 months जो है उसमें बिटकॉइन जो है वो अकॉर्डिंग टू प्लान बीज प्रडिक्शन, अगर आप देखें तो ये प्लान बी का ट्विटर हैंडल है और इस पर आप देखें तो अगस्त में इसने कहा था 47K और 47K हुआ. सितंबर में ही सेट 43K, वो भी हुआ क्योंकि मार्केट 47 से नीचे आई थी. ही आस्ट लाइक 63 फॉर अक्टूबर, लेकिन 61 पर जो है क्लोज हुआ. लेकिन इस महीने जो है वो ऑल टाइम हाई जो है वो बिटकॉइन ने किया, 66 पर गया. और एंड ही सेइंग लाइक 3% राउंडिंग एरर हुई है, तो दैट्स फाइन. नेक्स्ट टारगेट जो नवंबर के लिए है वो 98K मींस लाइक इट माइट गो टू 100K. सो दैट इज हिज प्रेडिक्शन. उसने प्रेडिक्शन की थी. लेकिन रिसेंटली आस्क अ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन उसने पूछा था. यहाँ पर आप देखें तो ये क्वेश्चन पूछा था, शायद आई थिंक ही इज लिटिल बिट concerned about 100K prediction, 135K prediction. So he asked the question to people. So if I put like 100K, so Bitcoin stay below 100K, 20% carry and 288K, 40% carry and 35% 100K के करीब carry हैं. So mostly people are saying 288K, 500K बहुत थोड़े लोग कह रहे हैं लेकिन कह जरूर रहे हैं. So 100K I think might be possible, like 288K इसलिए लोग कह रहे हैं कि अगर 100K बिटकॉइन ने कर लिया then it is gonna be up to बिटकॉइन के वो कहाँ पर जाता है, क्योंकि फोमो इन हो जाएगा, बहुत सारे लोग आएंगे and that will shot up the price to 288K. So that's what they are saying. But I think for me, I think if it's around 100K and I will be in a good profit, I will take 30-40% out of the market, and still we have like 1 or 2 months to see. Then he tweeted, "Are you ready for 10+ K daily candles?" It means that it is about to start to the moon journey. Wo journey jo wo start hone wali hai, so it is very very exciting. So let's see what he says. But another good resource I want you to give you, and that is this website, lookintobitcoin.com. Lookintobitcoin.com is amazing site. Whoever done it, he's a legend. और क्या है इसमें सारे charts जो हैं Bitcoin के वो आपको at a glance दिए गए हैं. So आप देख सकते हैं कि ये Bitcoin Investor Tool 2-year MA multiplier है. आप ये देख रहे हैं कि ये price जा रही है और ये ग्रीन कैंडल है. ग्रीन जो है वो बेसिकली लोअर एंड है और रेड इज वेरी हॉट टू यू नीड टू एग्जिट. आप देख रहे हैं नेक्स्ट जो प्रीवियस स्टॉप्स जब इसको क्रॉस करते हैं तो इसके बाद मार्केट नीचे आई है. नाउ वी आर हियर एंड देन अगेन वी गोना गो अप देयर. दैट्स वन इंडिकेटर. 200 वीक मूविंग एवरेज हीट मैप वो भी कह रहा है कि वी आर इन ब्लू. ब्लू मतलब कि अभी हम जो है वो टॉप पर नहीं पहुंचे. रेड जब आने शुरू हो जाएंगे डॉट्स, सो दैट मीन्स वी विल बी इन अ वेरी वेरी हॉट एरिया, सो यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट. फ्यूल मल्टीपल यू कैन सी, जब इस रेड जोन में शुरू हो जाती है बिटकॉइन की प्राइस, सो दैट मीन्स मार्केट्स टू हॉट और इट इज टाइम टू टेक एग्जिट. ठीक है. अनदर वन स्टॉक टू फ्लो विच इज प्लान बीस मॉडल, और जब ये ऊपर ग्रीन तक जाता है, येलो से ग्रीन तक, तो दैट मीन्स के मार्केट जो है वो टॉप हो चुकी है एंड देन यू नीड टू टेक एग्जिट. पाई साइकिल ने तमाम जितने भी आई थिंक वंस इट वाज फेल बट मोस्टली जितने भी टॉप्स थे विद इन थ्री डेज इसने जो है वो टॉप जो कंफर्म कर दिए थे। और किस तरह कंफर्म करता है, ये जो आपको येलो लाइन नज़र आ रही है, जब ये क्रॉस करती है इस ग्रीन लाइन को, सो दैट मीन्स के इसका टॉप जो है वो हो चुका है। अब आप देख सकते हैं इधर टॉप हुआ था, उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आई। अभी जो है वो प्राइस जो है वो बहुत नीचे है, ये देख रहे हैं इसकी जो येलो लाइन है, ऑरेंज लाइन व्हाटएवर यू कॉल इट, जब ये इसको क्रॉस करेगी, जब इसको क्रॉस करेगी और ऊपर की तरफ जाएगी, दैट मीन्स यू नीड टू टेक एग्जिट अगेन। देयर इज सो मैनी गुड indicators you can use this website as a reference point। अगर आपने top of the market करना है और आपको पता है जब top bitcoin होता है तो उसके बाद क्या होता है, 80% drop की prediction है plan B की after the top, so you have to be very, very careful। on-chain analysis is very, very important। on-chain analysis बताता है कि जी इस वक्त market में कितने bitcoins पड़े हुए हैं, कौन buy कर रहा है, कौन sell कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑन चेन की एग्जैक्टली इस वक्त क्या मार्केट में चल रहा है। और बिटकॉइन की जो प्राइस है, सारा कुछ बिटकॉइन पर है, ये ऑल्ट कॉइन्स पर नहीं है, और ये बिटकॉइंस पर है। आप देख रहे हैं 1 ईयर प्लस होडल वेव जो है वो आप देख रहे हैं, इसमें जो ब्लू लाइन है वो आपको बताती है कि ये 100,000 के करीब जाने वाला है। और हॉर्डल्स आप देख रहे हैं, हॉर्डलर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं 1 ईयर प्लस वाले। इसके अलावा आप ये सारे चार्ट्स जो हैं वो देख सकते हैं, आपको जो थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा और देन यू विल अंडरस्टैंड कि हम कहाँ पर आए। अब ये देख रहे हैं कि ये येलो एरिया, दैट्स वेरी रेड एरिया, सो दैट इज व्हेन प्राइस विल और दिस चार्ट विल गो टू देयर, दैट मीन्स यू नीड टू टेक एग्जिट। इट्स अ वेरी, very गुड रिसोर्स, इसको ज़रूर जो है वो अपने क्या कहते हैं सेव कर लें, अपने फोल्डर्स में, अपने बुकमार्क्स में, और इसको देखते रहें। लाइक आफ्टर अ वीक 2 वीक्स इसको जस्ट एनालाइज करते रहें कि यहाँ पर हम कहाँ पर पहुँचे हैं। जब आप ये चीज़ें देखेंगे तो देन यू विल अंडरस्टैंड ओके मार्केट में हम कहाँ पर हैं। तो बजाय आप वेट करने के कि लोग क्या कह रहे हैं और रिस्क लेने के, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू मेक अ डिसीजन। ग्रीड इज़ वेरी, very बैड इन क्रिप्टो। अगर आप ग्रीडी होते हैं और कहते हैं कि जी आप ऊपर जाएगा और इससे भी ऊपर जाएगा, इट माइट नॉट गो दैट वे। सो यू नीड टू टेक प्रॉफिट्स, कीप सम मनी इन कैश आफ्टर यू सी लाइक दे आर गेटिंग हॉट, और उसके बाद आप प्रॉफिट टेकिंग जो है ना शुरू कर दें। अभी भी मैं कहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट जो है ऊपर जा रहे हैं, यू स्टार्ट टेकिंग प्रॉफिट्स और मनी जो है वो साइड पर रखना शुरू कर दें। तो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। प्लान बी प्रेडिक्शंस, फिर lookintobitcoin.com, दैट इज़ अ वेरी, very गुड रिसोर्स। यहाँ पर भी आपको पता चल रहा है कि इस वक्त बिटकॉइन किस तरफ मूव कर रहा है और फ्यूचर मूव्स इसकी किस तरफ है। सो ऑल इन ऑल वी आर इन अ वेरी गुड पोजिशन इन द मार्केट और नेक्स्ट 2-3 months एज वी सेड अकॉर्डिंग टू प्लान बी प्रेडिक्शन एंड वट एवर ही इज सेइंग, बिकॉज He's a क्या कहते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है, he's a hedge fund मैनेजर, और उसके पास बहुत बड़ी टीम है जो एनालाइज करती है सारी चीज़ों को। एंड दे ऑलवेज लुक फॉर द पैटर्न्स और क्या बन रहे हैं पैटर्न्स, और कहाँ पर मार्केट वैल्यू नीचे जाएगी, कहाँ पर ऊपर जाएगी। सो he's a बिग विग, और उनके पास पूरी सॉफ्टवेयर टीम है जो कि रेगुलरली जो है वो डेटा को वॉच कर रही होती है। So according to him, I think this looks very, very promising. I also want to tell you, don't fully, go for this one. But having said that, just look into those charts, make your own decisions, और किसी पर rely क्यों करें जब आप खुद जो है इन चीज़ों को देखकर जो है वो market tops और market bottoms जो हैं वो आप figure out कर सकते हैं। So this is very good resource. I hope you liked it, and if you have any comments, any questions, do let me know, and I will try to answer those questions.